गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज ज्योग्राफी की क्लास में हम भारत के संदर्भ में विस्तार से इसके भौगोलिक स्वरूप, इसके भौतिक स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, आप देख रहे हैं कि भारत के भौतिक स्वरूप को लगभग 5 भागों में बांटा जाता है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठारी भाग, थार का मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान और द्वीपीय क्षेत्र। अब सवाल ये उठता है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में इतनी विविधता क्यों पाई जाती है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में विविधता का कारण पृथ्वी की संरचना से जुड़ा हुआ है। जब धरती का निर्माण हो रहा था और पृथ्वी सूर्य से अलग होकर के एक दहकते हुए पिंड के रूप में पूरे अंतरिक्ष में विचरण कर रही थी, तो उस समय वो आग का एक दहकता हुआ गोला थी और सब कुछ उसमें तरल और गैसीय अवस्था में था। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, वैसे वैसे उसके आकार में कमी आती गई और पृथ्वी सिकुड़कर ठोस होती गई। हालांकि पृथ्वी का आंतरिक भाग अभी भी लगभग तप्त और गर्म अवस्था में है और इसके क्रोड तक जाने पे हमें यह आभास होता है कि इसका क्रोड अभी भी तरल अवस्था में ही होगा, क्योंकि जितना दाब और जितना ताप इसके क्रोड का अनुमान किया जाता है, उस ताप और दाब पर कोई भी वस्तु ठोस अवस्था में नहीं रह सकती है। चलिए बात करते हैं भारत के निर्माण की। भारत का निर्माण पृथ्वी की शुरुआती संरचना के दौरान दो अलग अलग महाखंडों के आपस में मिलने से हुआ। भारत के दक्षिणी भाग यानी कि जो दक्षिण का पठारी भाग है, वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जो कि कभी पृथ्वी पर पाया जाता था। गोंडवाना लैंड का उत्तरी भाग टूट करके धीरे धीरे उत्तर की ओर खसका और इधर जो दूसरा भाग था अंगारा लैंड का दक्षिणी हिस्सा टूट कर धीरे धीरे दक्षिण की ओर खसका और इन दोनों भूखंडों के मिलने से भारत का निर्माण हुआ। अब सवाल यह है कि ये केवल अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड के मिलन का ही पार्ट नहीं है, बल्कि इसके बीच में तेटिस नाम का महासागर भी पाया जाता था। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में मिले तो तेटिस सागर का जो धरातल था वो सिकुड़ कर ऊपर उठने लगा और उस महासागर के धरातल के ऊपर उठने के साथ ही हिमालय की विस्तृत पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार भारत दो अलग अलग प्राचीन महाद्वीपों का सम्मिलन है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब बात करते हैं भारत में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के भौगोलिक परिदृश्य हैं। जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का विशाल मैदान है, दक्षिण का पठारी भाग है, थार का मरुस्थल है, समुद्र तटीय मैदान और द्वीपीय क्षेत्र की। तो जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, ये तेटिस महासागर के ऊपर उठने से इसका निर्माण हुआ। इसके बाद जो अंगारा लैंड का उत्तरी भाग था, उसके समतल प्रतिरूप से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ और हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली जो सदा नीरा नदियाँ थीं, उनके द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टियाँ थीं, उन मिट्टियों से इस समतल मैदान में एक उपजाऊ परिदृश्य का निर्माण हुआ, जिसे हम उत्तर के विशाल मैदान की संज्ञा देते हैं। बात करें दक्षिण के पठार की, तो दक्षिण का पठारी भाग प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जो कि अपने आप में एक ज्वालामुखीय प्रदेश रहा करता था कभी,
और इस ज्वालामुखी प्रदेश के एक खंड के टूटने से और अंगारा लैंड के साथ मिलने से दक्षिण भारत का निर्माण हुआ। दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार प्रमुख खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। अब ये जो खनिज संपदाएं हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जितनी खनिज संपदाएं दक्षिण भारतीय क्षेत्र में पाई जाती हैं या दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाई जाती हैं वो शायद उत्तर भारत में उतनी खनिज संपदा देखने को नहीं मिलती है। बात करते हैं थार के मरुस्थल की, तो थार का मरुस्थल कभी अरावली पर्वतीय क्षेत्र का एक सघन वन प्रदेश हुआ करता था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण और धीरे धीरे वनस्पतियों के क्षरण से उपजाऊ मृदा का बाढ़ के पानी के साथ ह्रास होता गया और ये प्रदेश निर्जन और मरुस्थल में परिवर्तित हुआ। और इसी के साथ समुद्र तटीय मैदान की अगर हम बात करें तो समुद्र तटीय मैदान भारत के पूर्व तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान नामक दो भागों में बटे हुए हैं। ये भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप से लगे हुए भाग हैं। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र को हम एक तरह से समुद्र तटीय मैदान की ही संज्ञा दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं द्वीपीय क्षेत्र की, तो भारत में इन धरातलीय प्रदेशों के साथ साथ दो प्रकार के द्वीपीय क्षेत्र भी पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार अवस्था में बंगाल की खाड़ी में विद्यमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें लगभग 243 द्वीप हैं, जिसमें 206 द्वीप अंडमान में और लगभग 40 से 42 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इस प्रकार 243 द्वीपों की श्रृंखला अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलती है। साथ ही साथ अरब सागर में लक्षद्वीप नाम का एक विशाल द्वीपीय समूह पाया जाता है, जिसमें लगभग 43 द्वीप मौजूद हैं, जो कि भारत के द्वीपीय क्षेत्र की संरचना करते हैं। अब बात करते हैं कि भारत को एक उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी कहा जाता है और भारत एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। तो भारत एक उपमहाद्वीप है क्योंकि यह अपने आप में एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र का अधिग्रहण करता है। लगभग भारत का अगर पूरा भौगोलिक स्वरूप देखा जाए तो यह विश्व के लगभग 2.4% भौगोलिक क्षेत्र का अधिग्रहण करता है और इस प्रकार यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा भूखंड माना जाता है। इसे बड़े 6 भूखंड यूरोप में भी हैं, एशिया में भी हैं। साथ ही साथ जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसको प्रायद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यह तीन ओर से जलराशियों से घिरा हुआ है और एक ओर से स्थल सीमा से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय संरचना की संज्ञा दी जाती है। और भारत एक उपमहाद्वीप भी है क्योंकि इसमें विश्व की लगभग 17% जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत के जो भौतिक क्षेत्र हैं वो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के विशाल मैदान, दक्षिण के पठारी भाग, थार का मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान और द्वीपीय क्षेत्र में विभाजित मिलते हैं। अब हम बात करेंगे संक्षेप में हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की। तो हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। हिमालय की ये दो प्रमुख शाखाएं हैं और इन हिमालय की शाखाओं को उत्तर पूर्वी हिमालय और उत्तर पश्चिमी हिमालय के रूप में जाना जाता है। बात करें अगर हम उच्चावच वर्गीकरण की, तो उच्चावच वर्गीकरण में हिमालय को हम तीन प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। उच्चावच वर्गीकरण में जो हिमालय का सबसे उच्च पर्वतीय क्षेत्र है उसे हम महान हिमालय की संज्ञा देते हैं। महान हिमालय
कि औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर के आसपास पाई जाती है। और इसके बाद मध्यम हिमालय की बात करें तो मध्यम हिमालय लगभग 3700 से 4500 मीटर ऊंचा है और यह उच्च हिमालय या महान हिमालय से निचला क्षेत्र माना जाता है। बात करें अगर निम्न हिमालय की तो निम्न हिमालय हिमालय का सबसे निचला प्रदेश माना जाता है। ये हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों की तुलना में एक निर्जन सूखा और ऊबड़ खाबड़ धरातलीय प्रदेश माना जाता है। बात करें अगर हम हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की तो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में हम हिमालय को पंजाब हिमालय कुमायूं हिमालय नेपाल हिमालय और असम हिमालय में विभाजित कर सकते हैं। अगर पंजाब हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय को कश्मीर और हिमाचल हिमालय की संज्ञा भी दी जाती है। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड का पर्वतीय प्रदेश माना जाता है और नेपाल हिमालय का अधिकतर हिस्सा नेपाल में स्थित होने के कारण इस क्षेत्र को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और असम हिमालय हिमालय की उत्तर पूर्वी शाखा का भाग माना जाता है। तो इस प्रकार हिमालय के पर्वतीय प्रदेश की हमने संक्षेप में ये जानकारी पाई। अब हम अगले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।